उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव की तिथि, वोटिंग डे जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब तो एक कैंडिडेट ने लगा दिया है कि या तो जिताई दा या तो टिकटे पर लिटाई दा। तो अब इसी क्रम में एक नया पोस्टर बनारस में भी आज दिखाई दिया है। ये आलोक सौरभ जी हैं, अपने आप को समाजवादी पार्टी से बताते हैं, उनके द्वारा ये पोस्टर लगवाया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की जगह अखिलेश यादव को और अर्जुन की जगह राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। बाकायदे पार्टी का सिंबल भी यहाँ पोस्टर पर दिख रहा है। तो हम समझ लेते हैं आलोक जी से, ये बताइए कि आपने तो भगवद गीता का उपदेश ही छाप दिया है और तुलना कर दी है अपने नेता की भगवान श्री कृष्ण से, इसकी क्या आवश्यकता थी? देखिए, भगवान से किसी की कोई तुलना नहीं है, ये तो प्रतीकात्मक चित्र है, महाभारत का एक दृश्य है। जो पोस्टर लगाने का हमारा मेन लक्ष्य, हमने लिखा भी है लक्ष्य 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। चूँकि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ गठबंधन में है, इसलिए राहुल गांधी जी को योद्धा के तौर पर दिखाया गया है। जो हमारा अभी वर्तमान समय चल रहा है, इसमें आप देखेंगे अगड़े पिछड़े शोषित वंचित दलित कोई भी वर्ग हो, कोई भी खुश नहीं है इस वर्तमान सरकार से। महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, विकास रुक गया है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव जी की सरकार में विकास हुआ था, सड़कों का, बिजली का, जिन भी संदर्भ में विकास कहा जाए, आप बहुत सारे शहर भी देख सकते हैं, लखनऊ, गाजियाबाद, बहुत सारे शहर भी उस समय में बड़े विकसित हुए, मेट्रो आई। वैसे ही दोबारा 2027 में जब सरकार आए, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो विकास की उसी दिशा में चलेगा उत्तर प्रदेश। यही हमारा लक्ष्य है और हमने पोस्टर के माध्यम से प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया है। ये संकल्प 2024, लक्ष्य 2027, तो ये उपचुनाव के लिए है या 2027 के लिए? देखिए, 2024 के लिए तो हम संकल्पित हैं कि हम 9 में से, अभी जो 9 सीटों पर उपचुनाव है, 9 जीतने वाले हैं। 2027 हमारा लक्ष्य है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए। तो वर्तमान में जो महाभारत हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें पांडव कौन है, कौरव कौन है? देखिए, पांडव और कौरव तो किसी को कहना उचित नहीं है, ये मैंने बोला भी, ये प्रतीकात्मक तौर पर है और सभी लोग, समाज के सभी लोग हिस्सा हैं, समाज का सभी हिस्सा है। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाज में जो भी हैं सभी समाज का हिस्सा, सभी को मानते हैं, कोई भी पार्टी में हो, चाहे हमारी विरोधी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग बराबर ही हैं, कोई पांडव और कौरव का कोई यहाँ पे वो नहीं है। अच्छा, पोस्टर से कुछ अंतर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, इसका मैसेज जाता है आपको लगता है? जी बिल्कुल, देखिए पोस्टर से कहीं ना कहीं पार्टी अगर पीछे चल रही है तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से लोगों में दोबारा जागरूकता लाया जा सकता है पोस्टर के माध्यम से ही। जैसा कि कई बार देखा गया है कि मीडिया बंधु भी हमारे परेशान रहते हैं, मीडिया पे भी कई चीज़ों को नहीं दिखाया जाता, केवल जो पार्टी की सरकार है उसी की चीज़ों को दिखाया जाता है। तो ऐसा करके हम दोबारा अपनी पार्टी को उस धारा में लाने का प्रयास करते हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़ी रहे। चलिए, तो पोस्टर होल्डिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल बना हुआ है, अब बनारस में भी पोस्टर वॉर का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।